समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन में जो है जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक देखा जाता है। वह स्थान जहाँ छोटे छोटे जंतु जैसे कि दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे टेरेरियम कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह व खनिज चक्र जो है वो पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक किसको कहते हैं? तो देखिए, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो अपघटक जो है वो पोषण स्तर 4 के अंतर्गत आते हैं। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटनाओं के मध्य की योजना या कड़ी है। तो देखिए, पारितंत्र में जो अजैविक और जैविक घटकों के मध्य की जो कड़ी है उसे हम जैव संरचना कहते हैं। सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहा जाता है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश में जो पादप उगते हैं वो आत्पोविद पादप कहलाते हैं। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। देखिए, जहाँ अधिक वर्षा होती है, अगर वो उष्ण क्षेत्र में है तो वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? तो वहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक वर्षा होगी और उष्ण क्षेत्र होगा तो वहाँ जो है ग्रीनरी काफ़ी मात्रा में होगी, इसीलिए उन्हें सदाहरित वन की श्रेणी में रखा जाएगा। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ कौन से वन मिलते हैं? तो देखिए, वे क्षेत्र जहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वो वहाँ पर जो वन है वो घास वन पाए जाते हैं। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो देखिए, जो भी बड़े जलाशय होते हैं उनमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं उनमें देखा जाता है, बाकी नीचे काफ़ी कम मात्रा में टेम्परेचर होता है। वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं। तो देखिए, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे हम सुपोषी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बन पदार्थों को कहते हैं। वे देखिए, कार्बन पदार्थ जो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते हैं उन्हें हम ह्यूमरस कहते हैं। नाइट्रोजन यौगिक करने वाला जीवाणु है। देखिए, जो वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगीकरण करता है उसे हम एजेटोबैक्टर के नाम से जानते हैं। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह तथा खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो देखिए, अगर कोई घास स्थल है और पारिस्थितिक तंत्र में है तो उसमें संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा रखा जाता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 10% का जो नियम है वो लिंडेमान जी ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो ओवरऑल ऊर्जा जैसे 100% है तो अगर वो निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर की ओर जाती है तो उच्चतर स्तर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10% ही प्राप्त होती है, क्योंकि 90% ऊर्जा का कंजम्पशन निम्नतर स्तर में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। तो खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। जितनी की जीवों में खाद्य स्वभाव में अगर विविधता होगी, तो विविधता का मतलब कि कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो उतनी ही लंबी श्रृंखला चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है। तो देखिए, अगर किसी पारितंत्र के कालांतर में जीवों की जो संख्या है अगर वो किसी कारणवश स्थिर हो जा रही है तो वो जो जीवों की संख्या स्थिर हो उसका जो कारण होता है वो है अपघटक, उत्पादक और परणहरित। ये तीनों उसकी स्थिरता पर प्रभाव डालते हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, उसे हम जैव समुदाय कहते हैं। इकोलॉजी शब्द को देने वाले कौन थे? तो देखिए, इकोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल है वो हैगल जी ने किया है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का जो निर्माण शब्द का जो यूज है वो हैगल ने किया है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो अगर आप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। आज हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आपको कवर अप कराऊंगा। ये वीडियो एक मैराथन के फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड होगी, जिसमें हम काफ़ी अधिक मात्रा में क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआई टेंट स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है, तो देखिए पौधों को सर्वाधिक क्षति ऑप्शन के हिसाब से कब पहुंचती है, जब सभी पत्तियों की क्षति से। अगर सभी पत्तियां पौधे की झड़ जाएं या किसी कारण बस गिर जाएं, तो पौधे की जो मैक्सिमम क्षति होगी वो इसी के द्वारा होगी, क्योंकि पत्तियों का ही काम है पौधे के लिए भोजन का निर्माण करना। अगर वही गिर जाएंगे तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, समुद्री पारितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो देखिए समुद्री पारितंत्र के जो जैव वर्ग है जिसमें जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है वो है फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पर जो है जैव निम्नीकरण सर्वाधिक होता है। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो देखिए जो हुसैन सागर झील है वो नष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसमें जलकुंभी अधिक मात्रा में पैदा होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है? तो देखिए ये कृत्रिम पारितंत्र होता है, यानी कि आर्टिफिशियल, जिसमें इंसान जो है अंतरिक्ष में पारितंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास किया जाता है। यानी कि फाइट्रोन क्या होता है कि फाइट्रोन में एक ये पद्धति है जिसमें हम नियंत्रित जो जलवायविक स्थितियां हैं उनमें हम पौधों का विकास करते हैं, कि यानी कि आर्टिफिशियल टाइप का हम जो क्लाइमेट है उसे वातावरण को उसमें जनरेट करते हैं, इसमें ही पौधा विकास करता है, इसे हम फाइटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? तो देखिए घास का स्थल जो है एक प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि गेहूँ के खेत, आम के बाग और एक्वेरियम ये सब आर्टिफिशियल हैं, ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं? तो लास्ट क्लास में, सॉरी अभी पिछली क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये कराया है कि जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को हम क्या कहते हैं, तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो देखिए जीवों का जो विकास है उसमें सेलामेंडर पहले आते हैं, फिर अजगर, फिर कंगारू, इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है सही है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहते हैं? तो देखिए मरुस्थल में जो पौधा उगता है उसे हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना या जो कड़ी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव संरचना कहते हैं। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है? तो देखिए दोमट मिट्टी में जो है वो किसी पादप की जो वृद्धि है वो सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो देखिए ऐसा कौन सा कारक है जो किसी पर्टिकुलर स्थान की वनस्पति जिस पर डिपेंड करती है? तो वो होती है वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो देखिए पौधे जो हैं वो केशिका का जल अवशोषित करते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं? तो देखिए मरुस्थल के जो पादप होते हैं वहाँ पर ऐसा कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि जैसे खाद वगैरह मिल सके या प्रॉपर मात्रा में जल मिल सके, तो इसीलिए वो मांसल पद्धति में बदल जाते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो ये मरुस्थल के जो पादप हैं वो मांसल पद्धति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो देखिए पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भर का पिरामिड होता है? तो देखिए एक तालाब के पारितंत्र में जो जीव भर का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा होता है। देखिए जो भी कैंडिडेट्स इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जो भी पुराने कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी एनवायरनमेंट जो है दो लेक्चर्स में पूरा ख़त्म कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट की उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। अप्रॉक्सीमेट 40-40 मिनट के लेक्चर मैंने लिए हुए हैं, वहाँ सर जाकर आप पूरे एनवायरनमेंट को एक बार में समझ पाएंगे। इसके बाद ही आप ये जो ऑप्शनल मैं करा रहा हूँ आप इसे करने में सक्षम होंगे, ताकि चीज़ें आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी जो तैयारी है उसे एक अच्छा सा बूस्ट मिल सके। इसीलिए पहले क्लास करने के बाद ही मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को आप देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद जल में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो देखिए खाद जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो देखिए खाद जाल में ऊर्जा का जो प्रभाव है वो एक दशी होता है, क्योंकि आप जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है, तो ये खाद जाल है, तो ये एक दशी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद स्तर के दूसरे खाद स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, तो देखिए एक खाद स्तर से दूसरे खाद स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास 90% होता है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी जानवर को किसी अदर जानवर ने खाया, तो एक खाद स्तर से दूसरे खाद स्तर में वो जा रहा है, तो वहां पर ऊर्जा का ह्रास जो है वो 90% हो जाता है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं, तो देखिए अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहां अगर भारी वर्षा होती है तो वहां वन सदाहरित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही जो है बादल बनते हैं, बिजली कड़कती है, तूफान और आंधी वगैरह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे जो है अवशोषित करते हैं, इसीलिए प्रदूषण कम हो जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया है, तो देखिए वन रोपण यानी वन को लगाना, ज़्यादा पेड़ लगाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र जो है वो है आरक्षित वन। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं, तो देखिए वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। वन महोत्सव किससे संबंधित है, तो वन महोत्सव जो है पेड़ों से लगाने में यानी कि ट्रीज प्लांटेशन से संबंधित है। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है, देखिए मिलीजुली खेती पशुपालन और कृषि करना दोनों शब्दों से मिलकर बना है, तो मिलीजुली खेती का मतलब है पशुपालन और कृषि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है, तो देखिए सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इमारतें जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जल, ऊर्जा, भूमि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से आशय है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से आशय है संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना ही प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का जो कारण है वो भूकंप नहीं है, जबकि जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण और वन्य जीवों का शिकार जो है प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण की एक मूलभूत संकल्पना नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहु अनुशासित प्रकृति कहलाती है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है, तो देखिए हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग जो है पर्यावरण कहलाता है, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो पर्यावरण ही है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है, तो देखिए वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से वन है, तो वैश्विक पर्यावरण के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है, तो देखिए खनिजों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है, धूल से प्रदूषण पर इस पर प्रभाव पड़ता है, भूस्खलन में वृद्धि जो है खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों का उपयोग होता है, तो देखिए औषधियों में खनिज यानी मिनरल्स का यूज होता है, औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में, खनिजों के जो है दोहन के लिए काफ़ी मात्रा में दोहन किया, खनिजों की जो प्राप्ति के लिए काफ़ी मात्रा में दोहन किया जा रहा है, अधिकतम खुदाई चल रही है हर एक इलाकों में, इसीलिए जो है पर्यावरण हमारा डिसबैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, ये कथन किसका है, तो देखिए ये निकोलस जी का कथन है जिन्होंने कहा था, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एक वह शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, तो देखिए पर्यावरण एक वह शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, ये कहा है जे एस रास जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत जो है विलियम हैवर्ड जी ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में, उसका उद्देश्य था वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, तो देखिए केवल यूरेनियम जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जबकि जीवाश्म ईंधन, कोयला, ये सारे के सारे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं हैं, ये प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो है मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनबिजली की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, पनबिजली ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं, जो कि ऊर्जा के अक्षय स्रोत के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। देखिए, ऊर्जा के अक्षय स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे भी कोई भी हानिकारक अपशिष्ट है जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाए या ऐसी कोई गैसेस वगैरह ना निकले, वो अक्षय स्रोत की अंतर्गत आते हैं। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? तो देखिए, एंथ्रासाइट की जो गुणवत्ता है काफ़ी बेहतर मानी जाती है। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है, तो जलता कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस छोड़ता है। इनमें से कौन एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए, कोयला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो पर्यावरण में कोई भी हानिकारक गैस रिलीज ना करें उनके दोहन पर या उनके यूज होने पर। तो देखिए, कोयला को अगर आप दोहन करोगे या इसको जलाओगे तो इसमें से काफ़ी जहरीली गैसें निकलती हैं, इसीलिए यह अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है? तो देखिए, बायोमास ऊर्जा, इसको भी जलाने पर काफ़ी सारी मात्रा में गैसें, जहरीली गैसें निकलती हैं, इसीलिए ये भी एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? तो देखिए, अविश्वसनीय आपूर्ति के द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो देखिए, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है, ये मानव के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, उसके मन मुताबिक चलता है। जैसे कि एक्वेरियम में आप मान सकते हैं, क्योंकि मछलियों को जिस टाइम पे अगर आप चाहें तो उनकी सप्लाई कट कर सकते हैं और जस्ट जब भी चाहें आप उन्हें दाना पानी दे सकते हैं, तो ये मानव के मन मुताबिक ऑपरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? तो देखिए, वनों को अगर आप काटते हैं तो वर्षा और नमी में जो है वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ भी आपको देखने मिलेगी, उष्णता में आपको कमी देखने को मिलेगी, तो ये सब नुकसान होते हैं। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो देखिए, ये ए फिटिंग जी का कथन है। निम्नलिखित क्वेश्चन में आपको बताना है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो देखिए, बस्तियाँ जो है वो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, जबकि भूमि के रूप, मृदा और खनिज भौतिक वातावरण का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो सतत व स्थायी विकास नव नियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मैं काफ़ी दिनों से इन्हें टाइप कर रहा हूँ और आपके लिए सोच रहा था कि एग्ज़ाम के पहले पहले कुछ अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि 30 मई तक मैं आपको मैक्सिमम कोर्स जो आपका है वो कवर अप कराऊंगा, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है अभी से अभी प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप सभी के लिए मैक्सिमम टाइम आपको मिल पाए, आपको बेहतरीन मौका मिल सके आपके आने वाले एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए। इसीलिए जितनी भी मैंने आप सभी के लिए मेहनत की थी, मैं आपको धीरे धीरे उस मेहनत का जो फल है वो देना शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक जो है वो कार्ल रिटर जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को जो है सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देखिए, मैंने ये सोचा था कि मैं आपको पर डे 20-20 क्वेश्चन करके एनवायरनमेंट के प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जैसा कि आप सभी कमेंट आ रहे हैं और सभी को मुझे लगता है काफ़ी नीड है मटेरियल्स की, इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया है कि आपको अब मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊं ताकि आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकें। तो जो भी चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विश्व पर्यावरण दिवस को कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? तो देखिए, गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। तो देखिए, 33% कम से कम जो वनों का क्षेत्रफल है ऑल ओवर अर्थ पे होना चाहिए ताकि जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहे। नेक्स्ट, और इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए, लकड़ी काटना जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देती है क्योंकि इससे पर्यावरण का दोहन होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन जो है आज अच्छा लगा होगा। इसमें लगभग हमने 80 के आसपास क्वेश्चन कवर अप किए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मैं आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास एनवायरनमेंट से रिलेटेड कराऊंगा, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम से सभी के सभी रिलेटेड होंगे, और कोशिश यही करूंगा कि कोई भी क्वेश्चंस इसमें से बाहर ना जाए। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।